अब काउंटिंग आप करते रहिएगा। बहुत सही, शानदार, बहुत बढ़िया, कमाल। ये दो वर्ल्ड रिकॉर्ड के सर्टिफिकेट्स हैं, एक ये वर्ल्ड रिकॉर्ड का मेडल है, दूसरा सर्टिफिकेट है, और ये दोनों जीता है महाराजगंज की 6 साल की बच्ची ने। 6 साल उम्र है इसकी और कमाल का कथक डांस करती है। 1 मिनट में 80 सर्कल, 1 मिनट में नॉन स्टॉप 80 सर्कल। और सबसे पहले हम वही आपको दिखाना चाहते हैं कि आप देखिए और काउंट आपको करना है, 1 मिनट में पूरा 80 जो है वो सर्कल आप कंप्लीट करेंगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अब काउंटिंग आप करते रहिएगा। बहुत सही, शानदार, बहुत बढ़िया, कमाल। वाह, रुकना नहीं है, 80 सर्कल पूरा कंप्लीट करना है। और आप लोग हमको बताइएगा, इतनी टैलेंटेड बच्ची क्या आपने कभी देखी है? ये महाराजगंज की लड़की है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और इसी तरीके से 1 मिनट में पूरे 80 सर्कल कंप्लीट किया है, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में अब इसका नाम है और इसके नाम पर ये मेडल मिला हुआ है। वाह, बहुत अच्छे, बहुत सही, वाह। बहुत बड़े बड़े लोग सम्मानित भी कर चुके हैं, ये देखिए कमाल है। और काउंटिंग देखते जाइएगा आप लोग। वाओ, बहुत बढ़िया। वाओ, बहुत शानदार। क्या नाम है आपका? परी अग्रवाल। तो कितने दिन से आप ये कथक सीख रही हैं? बहुत दिन हो गया, थक भी गई है पूरा। इतना 80 सर्कल कंप्लीट हुआ है, बताइए 6 साल की लड़की और इतना कमाल डांस। कितने साल की थी तो डांस सीखना शुरू की थी? 8 मंथ से ही डांस करती हैं। कौन सिखाता है डांस? मम्मा सिखाती हैं और एक डांस टीचर भी आती हैं। तो मम्मा भी डांस करती हैं कि सिर्फ आप ही डांस करती हैं? मम्मा को स्टेप क्लियर्स करवाती हैं। मम्मा आपको प्रैक्टिस कराती हैं, उसके बाद आप सीख के डांस करती हैं। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 3 में। 3 में, तो कहाँ कहाँ डांस किए, किससे किससे मिली थी? जब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जीती थी तो किससे किससे मिलने गई थी? डीएम सर से। हाँ, बहुत लोग से मिलने गए, बहुत सारे लोग से। देखिए पीछे पोस्टर भी लगाया है, आप लोग वो भी देख सकते हैं। महाराजगंज के डीएम सर से मिली हैं, उसके बाद से एसपी सर से मिली हैं, देवरिया के सांसद जी हैं उनसे मिली हुई हैं, रवि किशन भी सम्मानित कर चुके हैं और बहुत बड़े बड़े लोग सम्मानित कर चुके हैं। और पूरे महाराजगंज में इनका जो नाम है वो सब लोग जानते हैं। महाराजगंज की परी के नाम से ये पूरे महाराजगंज में फेमस हैं, महाराजगंज की शान है। और हम चाहते थे कि आप लोगों तक भी इनका टैलेंट पहुंचे। केंद्रीय वित्त मंत्री महाराजगंज महोत्सव में आए थे तो इनका नाम लेकर और वो भी कह के गए थे कि बहुत प्राउड फील हो रहा है, ये एक लड़की महाराजगंज से निकली है और पूरे देश में ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड का मेडल लेके आई है। कब आया था मेडल आपके पास? अप्रैल में आया था। अच्छा ये बताइए, तो आप कहीं जाके इसके लिए डांस की थी? नहीं, घर से वीडियो आया था। हाँ, वीडियो बना के दे दो हमको। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर परी से तो मिल लिए हैं, अब उनकी माता जी से भी मिल लीजिए। थोड़ा हमको बताइए, आपकी बेटी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हो गई है। हाँ, ये एक्चुअली जब लखनऊ महोत्सव में गई थी तो वहाँ पे इसने एक डांस परफॉर्म किया था, तो उसमें मैंने इसका 1 मिनट में 80 कथक के स्पिन डलवाए थे। तो मुझे नहीं मालूम था कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकती है। वहाँ के लोगों ने जब देखा और खड़े होकर एकदम वाह वाह करने लगे, तो फिर उन लोगों ने वहाँ से नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भेजा, क्या कि ये मामूली बात नहीं, ये कोई मामूली लड़की नहीं है, इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भेजना चाहिए इसको, ये तो गॉड गिफ्टेड है। और वहीं के लोगों ने, वहीं के एसोसिएशन के लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम भेजे और मेरी आईडी मांगे, मैंने अपनी आईडी दी और फिर बाकी सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो मुझे भेजना था मैंने फिर यहाँ घर से भेजा। जो आप लोग इसको डांस सिखा रहे थे तब आपको नहीं पता था कि 80 सर्कल कर लेगी अगर 1 मिनट में तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा? नहीं, मैं इतना अनुमान नहीं लगा सकती थी कि हाँ, मुझे भी लग रहा था कि बहुत ज्यादा स्पिन कर ली है, लेकिन ये नहीं अनुमान लगा सकती थी कि इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लेगी। अभी 80 कर पाती है या कभी कभी 80 से भी ऊपर? नहीं, 80 से भी ऊपर, अब तो 80 से भी ऊपर कर लेती है। क्या पर आगे भी 80 के बाद अब 100 का प्लान है कि नहीं है? 200 का प्लान है। 1 मिनट में 200? 2 मिनट में 200। तो इसके लिए प्रैक्टिस चल रही है? हाँ। तो अगर 200 हो गया तो कहाँ कौन सा रिकॉर्ड बनेगा? इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड वापस से बना देंगी। तो ये देखिए, और वापस से आप एक बार इस सर्टिफिकेट को देखिए,
बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा कि कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। आपके यहाँ की एक लड़की है, इतनी छोटी सी है, मात्र 6 साल की है, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई है कथक में, और ये उसका सर्टिफिकेट है और ये मेडल है। और प्राउड तो हमको भी फील हो रहा है बहुत ज़्यादा, और हमको लग रहा है कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी बहुत प्राउड फील हो रहा होगा। थोड़ा सा आप लोग बताइए, जब पता चला था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, हाँ, जब ये इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया तो फिर ये न्यूज़ डीएम सर तक पहुंची थी। मैं डीएम सर तक मैं खुद लेके नहीं गई थी, बल्कि उन्हीं का इन्विटेशन आया था कि आप इस बच्ची को लेकर के मेरे ऑफिस आएँ, तो हम लोग इसको लेकर के गए और फिर वहाँ पर ये सम्मानित हुई। एडीएम सर भी सम्मानित किए, डीएम सर भी सम्मानित किए, फिर उसके बाद से यहाँ के केंद्रीय वित्त मंत्री उसको सम्मानित किए, और इसको गोरखपुर भी बुलाया गया। गोरखपुर में जो गोरखपुर के मेयर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, वो इसको सम्मानित किए, नंदू मिश्रा सर सम्मानित किए। इसके लिए पूरी एक होटल में बंकेट हॉल बुक किया गया था, इसका पूरा परफॉर्मेंस देखा गया था, इसका इंटरव्यू भी हुआ था वहाँ पर, इसको काफ़ी सम्मान मिला है जगह जगह। और ये महाराजगंज नहीं, पूरे पूर्वांचल की शान है ये, हमको लग रहा है पूरे देश की शान है परी। थोड़ा सा आइए आपको परी की बड़ी मम्मी से मिलाते हैं, और ये सिर्फ बड़ी मम्मी नहीं है, ये इनकी ड्रेस डिजाइनर भी हैं। परी जितने भी कॉस्ट्यूम्स पहनती है सब कुछ जो है वो यही डिजाइन करती हैं। आप लोग उनको डांस सिखाए, उसका कॉस्ट्यूम डिजाइन किए, सब कुछ जब कर रहे थे, एक भी बार आप लोगों को लगा था कि परी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देगी? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा था, लेकिन हाँ बहुत अच्छा करती थी, ये लगता था बहुत आगे जाएगी। अच्छा, जब पहली बार आप लोग को ये मेडल मिला, ये सर्टिफिकेट मिला, तब का क्या एक्सपीरियंस था थोड़ा हमको बताइए। बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैंने इसके लिए स्पेशल पूरा रूम वगैरह भी डेकोरेट किया था, ये थी नानी के घर गई थी, आई तो पूरा इसका रूम सजा हुआ था, इसको स्पेशल फील कराया कि बहुत, मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट है तुम्हारे लिए। बहुत अच्छा लगा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। थोड़ा परी के पापा से भी हम बात करना चाहते हैं, ठीक है? थोड़ा परी के पापा से भी हम बात करना चाहते हैं, आपकी बेटी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दी है। वर्ल्ड रिकॉर्ड जब बना तो बहुत अच्छा लगा, हमें उम्मीद नहीं थी कि इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता है, लेकिन जब हमें वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में मालूम पड़ा, हमने किया तो उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड तुरंत बन गया, और बहुत अच्छा लगता है जब उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर के नाम से पुकारा जाता है, कहीं भी ये कार्यक्रम करती है उसका नाम लिया जाता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर परी अग्रवाल। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर परी अग्रवाल जी, इनसे आप लोग मुलाकात किए हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर परी जी क्या कहना चाहती हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड जीतने के बाद, आपको कैसा लगा था? बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा था। तो आप क्या चाहती हैं, अभी क्या कहना चाहती हैं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोगों से क्या कहना है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी करना है, बोलो शेयर करना है, और लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, लाइक भी करना है। तो देखिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड है होल्डर कह रही हैं आपसे कि लाइक भी करना है और वीडियो शेयर भी करना है। पहली बार आप लोग के लाइफ में भी ऐसा एक्सपीरियंस मिल रहा होगा, तो लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि इतना बड़ा कारनामा ये 6 साल की महाराजगंज की रहने वाली लड़की ने किया है। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय हिंद।